हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और उसमें उनको ये लिखा है कि पंजाब का जो मुद्दा है पानियों का और जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वो केस सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइल किया, रेफरेंस किया था सुप्रीम कोर्ट को, और वो रेफरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट को विड्रॉ करना चाहिए क्योंकि पहले ये पंजाब के पानी का जो ऑर्डर दिया था 1976 में, ये उसकी नोटिफिकेशन है। ये इंदिरा गांधी के टाइम पे उन्होंने ये फैसला करके पंजाब का पानी दूसरी स्टेट्स को दिया था और उसके बाद पंजाब ने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था 1981 में, जब इंदिरा गांधी वापस पावर में आई और पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार आ गई तो उन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट का केस विड्रॉ करा के ये फैसला करवा दिया तीनों चीफ मिनिस्टर को इकट्ठा बिठा के राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में, और साथ में प्रधानमंत्री ने बैठ के ये फैसला करा दिया जिसके में पंजाब का पानी फिर बांट दिया। और ये बांटा स्पेस में कि टोटल जो पानी है वो 17.17 MAF है और अब जो फिक्र आ रही है कि पानी 17.17 नहीं है, पानी 14.37 MAF है। और हमने प्रधानमंत्री को ये लिखा है कि ये पंजाब का उस टाइम सुप्रीम कोर्ट से वापस लेके फैसला इंदिरा गांधी ने तीनों चीफ मिनिस्टर को बैठ के कराया और पंजाब के हित के खिलाफ कराया। आज प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट से ये रेफरेंस वापस लेना चाहिए, तीनों चीफ मिनिस्टरों को बैठा के जो सही फिगर है उसके बेसिस पे पंजाब को पंजाब के हक देते हुए फैसला करना चाहिए। और ये बहुत जरूरी है तीनों जगहों पे, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में और सेंटर में, चारों जगह पे ये बीजेपी के और उसके अलाइंस की सरकार है। तो ये प्रधानमंत्री को चाहिए कि पंजाब के हक पंजाब को दिलवाए जाए और ये सुप्रीम कोर्ट से केस वापस लेके तीनों चीफ मिनिस्टर को अपने साथ बैठाएं और ये फैसला करें और पंजाब के हक पंजाब को दिलवाएं। और हमने ये भी साथ में डिमांड की है कि ये अकाली दल जो सेंट्रल सरकार में आज पार्टी है, ये अगर ये एक हफ्ते का टाइम में, अगर एक हफ्ते में ये नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट से केस वापस नहीं लेते तो बादल को इस्तीफा देना चाहिए। एक हफ्ते के अंदर अंदर जहाँ तो बादल ये केस सुप्रीम कोर्ट से वापस करवाए सेंट्रल सरकार को बोल के, अगर वो नहीं करता तो उसको पंजाब का मुख्यमंत्री आने का कोई हक नहीं और उसको इस्तीफा देना चाहिए। और इसके साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो ये 1981 का फैसला हुआ वो तब MP थे, ये कांग्रेस से इंदिरा गांधी ने किया, उसके बाद जो ये SYL की फाउंडेशन रखी, शुरू किया काम, तो अमरिंदर MP थे, वो भी साथ थे। अमरिंदर को आज कोई हक नहीं बनता जनता को इस मामले पे घबरा करने के लिए, तो अमरिंदर को भी अपने पद पे रहने का कोई हक नहीं है। ये कांग्रेस सरकार ने आज तक पंजाब के साथ विस्तार किया तो अमरिंदर को कांग्रेस के प्रेसिडेंट से इस्तीफा देना चाहिए। देखो, ये पहले इंदिरा गांधी ने इतना बड़ा विस्तार किया पंजाब के साथ, आज हम प्रधानमंत्री को कहेंगे तो सही, उसको मौका तो देंगे कि फैसला करो। अब वो पंजाब के हक में करेगा या नहीं करेगा तो जब वो फैसला लेगा तो तभी इस चीज का पता चलेगा। अगर बादल साहब ने जो करना है, आज टाइम है, आज लोगों को गुमराह ना करें। पिछले तकरीबन 40 साल में ये बादल और अमरिंदर पंजाब पॉलिटिक्स में हावी रहे हैं और इनके होते होते ये मामला इतना बड़ा है, तो अगर वो इनके बादल सरकार के होते हुए ही ये सब जो पंजाब के हित के खिलाफ हुआ है, तो आज वो टाइम है, आज मौका है कि बादल मोदी के ऊपर दबाव डाल के ये सुप्रीम कोर्ट से वापस लेके और ये इसका फैसला करवाए। अगर वो नहीं करवा सकते तो उनको पंजाब का मुख्यमंत्री रहने का कोई हक नहीं है।